हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KBM में। KBM यानी कौन बनेगा माइंडेड। इस एपिसोड में आपके लिए हम कुछ नए क्वेश्चन को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लिखते नहीं हैं कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सॉल्व क्वेश्चन की संख्या को लिख दिया कीजिए। आपका क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी संबंधित है। ऑप्शन ए मुर्गी पालन से, ऑप्शन बी मधुमक्खी से, ऑप्शन सी रेशम कीट से, ऑप्शन डी मवेशियों से। आपका समय स्टार्ट होता है, समय आपका समाप्त होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मुर्गी पालन। मुर्गी पालन रानीखेत बीमारी से संबंधित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, हर कंपटीशन के लिए, साइंस के लिए बेनिफिट होगा। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPLO है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, किनारी कोशिका या फिर पादप कोशिका। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है कि PPLO बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। सो आपको PPLO का फुल फॉर्म भी पता ही होगा। PPLO क्या है, सबसे छोटी कोशिका होती है, ये सबसे छोटी सेल्स हैं हमारी PPLO। तो चलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। ए फल से, बी बीज से, सी पत्ती से, डी पुष्प से। आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त होता है। कॉफ़ी बी ऑप्शन करेक्ट है, बी से प्राप्त होता है। सो बच्चों, आपको अच्छा लगता होगा, एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। चलते हैं हम अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्साइटेड तो है ही और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, तो इसलिए एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है। ऑप्शन ए ABA, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी GA। तो आपका समय अब शुरू होता है। समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ABA। इसका फुल फॉर्म होता है एब्सेसिक एसिड, यानी ये एसिड रंध्र को बंद करने का काम करता है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है कि भंडारण में आलू में प्रस्फुटन का नियंत्रण किसके कारण होता है। ए एथिलीन, बी साइटोकाइनिन, सी ऑक्सिन और डी जिब्रेलिन। समय आपका स्टार्ट होता है अब। आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है ऑक्सिन। ऑक्सिन इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि है यानी बोन्स हैं। ए पटेला, बी स्टेपीज, सी एटलस, डी मुक्त पसलियाँ। समय आपका स्टार्ट होता है। समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टेपीज, कान की ये हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी होती है जो बॉडी में पाई जाती है। चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे प्रसव हार्मोन कहते हैं, यानी डिलीवरी के हार्मोन को किसको कहते हैं। वैसोप्रोसिन, बी है पैंक्रियोजाइम मिन और ऑक्सीटोसिन और डी है प्रोजेस्ट्रॉन। चलिए, आप समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन ये है, कौन सी अवस्था अधिकतम समय अवधि की होती है। ए प्रोफेज,
बी एनाफेज, सी टेलोफेज, इनमें से कोई नहीं। ये सेल डिवीजन चैप्टर से है। समय आपका समाप्त हो चुका है। सेल डिवीजन की जो प्रोफेज अवस्था होती है, ऑप्शन ए ये सबसे लंबी अवस्था होती है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। अब हम आगे चलते हैं। इंजॉय कीजिए और आंसर देते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए निर्मित होते हैं केवल ए न्यूक्लिक अम्लों से, बी प्रोटीन से, सी लिपिड से, डी सभी से मिलकर। तो आपका समय स्टार्ट होता है। समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्लों से डीएनए निर्मित होता है, यानी बनता है। डीएनए बनता है किससे? न्यूक्लिक अम्ल से। चलते हैं हम अब आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 44 और डी है 46। समय आपका स्टार्ट होता है। समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका बहुत ही इजी आंसर है ऑप्शन ए 1। एक गुणसूत्र होते हैं जो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। सो गाइस, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय।